हेलो फ्रेंड, अभी आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस एग्जामिनेशन में पीएच स्केल किसी भी पदार्थों का पीएच मान से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे क्या कि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पीएच मान है क्या। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पी है, हम सबसे पहले बताते हैं कि पीएच मान की जरूरत क्यों होती है, पीएच स्केल की जरूरत क्या है। ये किसी भी जो कोई भी जो सॉल्यूशन है या कोई भी जो पदार्थ है, उस पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता, वह पदार्थ एसिडिक है या बेस है, वो बताने के लिए ये पीएच स्केल का जरूरत होता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये पीएच स्केल, तो ये जो पी का है, ये POTENZ, इसका पी का फुल फॉर्म पोटेंस होता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति। और एच जो हो गया वो हो गया हाइड्रोजन आयन। यानी किसी भी पदार्थ में जो हाइड्रोजन आयन है उसके शक्ति का निर्धारण हम पीएच स्केल पर करते हैं। अब वह शक्ति अगर ज्यादा है या कम है, इस आधार पर हम वह उसको अम्लीय या क्षारीय घोषित करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कि पीएच स्केल की जो उपयोगिता है वो आप समझ गए। इसकी परिभाषा अगर हम कहना चाहें तो इसकी परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की शक्ति को बताने वाला जो स्केल है उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि कोई भी अगर आप स्केल देखते हैं तो उसका तो एक माप होता है, उसमें एक आकार दिया हुआ होता है, एक लकीर खींची हुई होती है। जैसे आप मीटर देखते हैं तो मीटर में सेंटीमीटर तक होती है। तो आप पूछेंगे क्या पीएच स्केल में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो उसमें क्या अंकन क्या किया होता है? वो अंकन होता है 0 से लेकर 14 तक। और आप इसको मैं बता दूं कि ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने देख लिया। ये जो 7 होता है ये इसका मिडिल पॉइंट। तो अगर कोई भी पदार्थ है जिसका वह इसके नीचे अगर उसका मान आता है तो वह क्या है? अम्लीय है, अर्थात वह क्या है? एसिड है। और अगर इसके बाद आता है तो वह क्या है? क्षारीय है, अर्थात बेस है, वो बेसिक है, कह सकते हैं बेस है, ठीक है। और यहां जो है वह क्या है? न्यूट्रल है। यानी अगर किसी का मान अगर 7 आता है तो इसका मतलब वह क्या है? न्यूट्रल। तो आप ये समझ गए कि कोई भी पदार्थ जैसे जैसे उसका स्केल पे मान कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 1 है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वो एसिडिक है। और जैसे जैसे वह 7 तक जाते जाते वो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। और इसके बाद उसमें क्या आता जाता है? क्षारीयता आता जाता है। इसके बाद एक और बात पूछा जाता है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया या आविष्कार किसने किया? तो ये एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था। सोरेनसन अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, उसने पीएच स्केल की खोज की थी। अब आता है, अगली बात आती है कि इसका फार्मूला क्या है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला इसका जो होता है कि log 1/H+ ion, या दूसरा फार्मूला होता है या -log H+ ion। ये तो ये दोनों चीजें आपको होती है। अब आता है कि उसकी उपयोगिता क्या है। इसकी सर्वाधिक उपयोगिता जो होती है अल्कोहल फैक्ट्री में होती है इसकी उपयोगिता। इसके बाद चीनी मिल में इसकी उपयोगिता होती है और कागज उद्योग में उपयोगिता होती है। आपको ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ। तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ है, अल्कोहल की फैक्ट्री में, इसके बाद चीनी उद्योग में और कागज उद्योग में। अब हम कुछ पीएच स्केल यहां पर आपको लिखेंगे और उसको याद करने का ट्रिक बताएंगे।
चलिए हमने यहाँ पर कुछ पदार्थ लिखे हैं, उसके पदार्थों का पीएच मान आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले देखिए नींबू 2.4। आप देखिए आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो देखते हैं कुछ नींबू मिर्ची वाला घूमता रहता है। वो दुकान में भी लगाता है नींबू मिर्ची, कार में भी लगाता है, कहीं भी आदमी, ताकि नजर से बचा जाए। तो आप उसमें क्या देखते हैं, एक गो नींबू और दो चार गो मिर्ची उसमें देखते हैं। तो क्या देखते हैं आप, क्या देखते हैं आप, नींबू में क्या रहता है, दो चार मिर्ची, नहीं एक गो नींबू दो चार गो मिर्ची, ये गाना आपने सुना होगा। तो दो चार मिर्ची का मतलब 2:4, ठीक है। सिरका, सिरका मतलब समझते हैं किसका, किसका सिरका। तो आप जानते हैं ये सिर जो है, ये सिर तीन भाग में बटा हुआ है, क्या, आगे का, मध्य का और बीच का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सिर कितना भाग में बटा हुआ है, तीन भाग में, तो ये क्या हो गया, सिरका का कितना हो जाएगा, तीन। अगला देखिए रक्त, रक्त और ये देखिए आप, ये तीनों का एक ही जैसा है, रक्त आंसू और लार, इसको याद करें, रक्त आंसू लार 7.4, रक्त आंसू लार 7.4। अगला देखिए मानव मूत्र, छे छे, मूत्र का गंध कैसा होता है, जब मूत्र का गंध लगता है तो आप क्या करते हैं, छीछी करते हैं, तो छीछी करते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, मानव मूत्र का क्या होता है, छे। अगला देखिए दूध, दूध पीने से आप क्या बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, तो शक्तिशाली बनते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप दूध पी के शक्तिशाली बनेंगे तो क्या करेंगे आप, किसी की छक्का छुड़ा सकते हैं। तो छक्का जब छुड़ाते हैं, क्या, कैसे छक्का छुड़ाते हैं, दूध पी के छक्का छुड़ाते हैं, तो दूध पी के छक्का छुड़ाते हैं, छक्का और छुड़ाते हैं, तो 6-6 से हो गया छक्का छुड़ाते हैं, तो 6.6। शराब देखिए, शराब पीने के लिए कम से कम दो आदमी की जरूरत है, कम से कम दो आदमी की जरूरत है, और जब दो आदमी की जरूरत होगी तो दोनों आदमी शराब पीने के लिए बैठेंगे, तो शराब पीने के लिए बैठेंगे तो कम से कम उसको जो है, कम से कम चार चार पैक तो चाहिए ही, तो चार चार पैक चाहिए ही, तो कितना हो जाएगा, 8 पैक हो जाएगा। तो दो आदमी मिलके कितना पैक खत्म करेगा, 8 पैक खत्म करेगा। तो शराब का क्या हो जाएगा, 2.8। देखिए हम शराब का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉमन बात है वो बता रहे हैं। बियर किसके बीचों होती है, जो नशेबाज तो नहीं है, दोस्त होते हैं, बैठते हैं कितने दोस्त, ओ बियर, ओ डियर गिव मी 4 बियर, ठीक है। टोमेटो जूस, भाई टमाटर जूस से आप क्या है कि जब तक आप रोजाना 4 टमाटर नहीं खाएंगे, रोजाना 4 टमाटर नहीं खाएंगे, आपके गाल तो लाल होंगे ही नहीं। तो टमाटर कितने खाने हैं आपको, 4, और बियर भी कितने, 4। अगला क्या है, पानी, पानी कैसा पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, और आपको पता है साफ पानी पीना चाहिए साफ, अब फ को अगर तो समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 पानी हो गया। नमक के बारे में आपको पता है, नमक क्या होता है कि ये एसिड और बेस जब आपस में क्या करते हैं, वो मिलते हैं तो क्या होता है, नमक का निर्माण होता है, तो इसका इसका भी 7 हो गया, यानी ये न्यूट्रल होता है। समुद्री जल 8.4। अब समुद्री जल के बारे में क्या है, बहुत लंबा जो चीज दूर होता है ना, तो उसको आप क्या बोलते हैं, 84 जो लंबी दूर होते हैं, 84 कोस, सुना होगा आपने, तो 84 कोस मतलब क्या होगा, समुद्र तो बहुत लंबा होता है, तो 84 सी मतलब समुद्र, चौड़ा, तो 84, तो किसी चीज का पीएच मान हो नहीं सकता है, तो 84 मतलब 8.4। इसके बाद पूछा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और बैटरी एसिड, ये तीनों एक ही चीज है, इसका बहुत ही ज्यादा एसिडिक मान होता है और इसका होता है क्या, 1, ठीक है। यानी आपको टीवी चलाने के लिए कम से कम 1 बैटरी की तो जरूरत होगी ही होगी, और जब बैटरी की जरूरत होगी तो उसमें अधिक ही एसिडिक मात्रा वाला एसिड होगा, तो उसका 1 नंबर बैटरी चाहिए आपको। सेब आपको, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपका परिवार छोटा है, छोटा परिवार है, क्या है छोटा परिवार है, तो 2 पति पत्नी और 1 बच्चे, और प्रत्येक को एक एक सेब खाना ही खाना है, तो कितना सेब का कितना हो जाएगा, 3। अब चाय के बारे में बात करते हैं कि गांव का आदमी, आज भी गांव में चाय 5 रुपए में मिलता है, वो गांव का आदमी शहर जाता है और कहता है मुझे चाय पीना है, और जब चाय पीने पी लेता है वह 5 रुपया देता है, तो दुकानदार कहता है नो 5 और चाहिए, मतलब 5-5 वह 2 बार देता है, 5 1 बार देता है और 5 2 बार देता है, तो चाय का क्या हो जाएगा, 5.5। दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा में यही प्रायः कॉमन रूप से पूछे जाते हैं, और ये आपको याद हो गया होगा,
चलिए इसको याद कर लेंगे, दो बार तीन बार वीडियो को देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपको जीएस के अगले वीडियो में।